कोई हाँ फोटो ले लो, प्रगति के नाम पे, विकास के नाम पे, फोटो 16 साल रखो, इमारत के नाम कम कर लो। इस शहर में खास तौर से इस जगह पर कुछ नहीं था, और अगर कोई यहाँ पर एक नौजवान जो मेरा बेटा है लक्ष्य का, वो अकेला यहाँ पर आता था, एक जिप्सी उसके पास थी, उस जिप्सी में मजदूरों को और मिस्त्रियों को साथ में लाता था। वो यहाँ पर आते थे और दोबारा कहते थे हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम पूछते थे भाई क्यों नहीं जाओगे, बोले बहुत दूर है। आप समझ सकते हैं कि कम कर लीजिएगा, जब यहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था, कुछ भी नहीं था इस जगह। लैंडस्केप एक हौसला था, तीनों एक जज्बा था, एक सपना था जो खुद उसने सजाया था। विदेश जाने की बजाय अपने मुल्क की खिदमत करने का, मैं चाहता था कि वो विदेश चला जाए। उसने कहा नहीं, मैं यहीं पे आपके साथ काम करूंगा। आपको कंधा दूंगा, और उसने वो करके दिखाया जो एक बाप होने के लिए मुझे गर्व देता है, फख्र देता है। और मैं बार बार चाहूंगा कि मुझे हर जगत में वो लड़का मिले, ऐसी औलाद मिले। मुझे अफसोस है कि मैं वो बाप नहीं बन सका जिसकी उसको जरूरत थी, और मैं उस समय मेरे अल्फाज, मेरे हाथ, मेरे पांव कमजोर पड़ गए जब उसको मेरी जरूरत थी। लेकिन वो जज्बा मेरे दिल में है और उसका ब्याज सहित कर्ज उतार के जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। किस तरीके से बिजलियां गिरी, एक बार नहीं सैकड़ों बार गिर गई, आंधियां आई, तूफान आया, जलजला आया, बाढ़ आई, लेकिन हमारे मंसूबे, उस लड़के का मंसूबा कमजोर नहीं हुआ। दो लोग इसके गवाह हैं, एक जितेंद्र सिंह यादव और दूसरी हमारी बहू मनीषा शेखर, जो शुरू से हमारे इस कार्यक्रम में एक प्रवक्ता के रूप में जुड़ी थी, बाद में मेरी बहू बनी। मुझे फख्र है कि नौजवानों ने वो करके दिखाया जिसकी कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। और आगे क्या होगा ये भी मैं बता सकता हूं आपको, कि इस प्रांगण का, इस क्षेत्र का, इस इंस्टीट्यूशन का मुस्तकबिल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। हम वहां से चले हैं और हम कहां पे पहुंचेंगे इसका तो हमें भी कोई
आगाज नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद ब खुद बेजार हो जाए। आ आ तुझे गले से लगा लूं मैं, ये बिजली के लिए है, बिजली के लिए। आ तुझे गले से लगा लूं मैं, फलक ने तुझको लगा के छोड़ दिया। हम बिजली से डरने वाले नहीं हैं, हम बिजलियों से नहीं डरते, हम काम करके दिखाते हैं बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। यही पर ये आपके पीछे जो जहां पे आप रहते हैं यहां पे क्या चीज बनेगी खुद ब खुद नहीं, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे सस्ती तकनीक पूरी दुनिया में ये यहां से बन के जाएगी, आप देखिएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं थी जब हमने 3D का एक प्रिंटर यहाँ पे तैयार किया था, महज 45 दिन में, 45 दिन में कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या बन रहा है। और जब बन गया तो मैंने पूछा कि क्या ये चलेगा, बोले आपके सामने दिखाऊंगा। उस बच्चे का नाम था कार्तिक, कंप्यूटर साइंस का बच्चा था। मैंने कहा था मुझे 4 बच्चे दीजिए, मैंने और कुछ नहीं मांगा था। उन 4 बच्चों में से मैंने एक को पसंद किया और उसने, मैंने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे ये सामान चाहिए। मैं 40,000 रुपया, 40,000 रुपए में उसने 3D प्रिंटर तैयार करके दिखा दिया। और उसका परीक्षण, उसका जो टेस्ट हुआ वो RDSO में हुआ, जहां पे 32 डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने सबको उसको जो है वेरीफाई किया। ये टेक्नोलॉजी होती है और हम टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा काम दिखेगा कम, बोलेगा ज्यादा, बोलेगा ज्यादा। हमारे बच्चे भी हो सकता है कि डिग्री, मैं डिग्री की ज्यादा परवाह नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास या मेरे बच्चों के पास डिग्रियां नहीं है, इतनी डिग्रियां है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन डिग्री के साथ में अगर हुनर हो तो आपका आत्मविश्वास आसमान पे चढ़ के बोलेगा। और यही आत्मविश्वास है जो मैंने कहा अपने बच्चों को कि IAS मत बनना, मेहनत करके दिखाओ, खुद अपनी जमीन तैयार करो, खुद अपना नाम बनाओ। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, आती रहेंगी, परीक्षाएं सबकी होती हैं। कभी कभी ऐसी भी परीक्षा होती है जो दिल पे लग जाती है, और दिल पे लगने का मतलब यह है कि वो दिल लगी नहीं है, वो दिल पे लगी है, उसका जवाब भी दिल से मिलेगा, दिल से मिलेगा और माकूल मिलेगा, माकूल मिलेगा। मैं कुछ उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर के एक ऐसा सूबा जहाँ पे लोग कहते हैं कि साहब हमें तो एडमिशन दे दीजिए, हम अटेंडेंस नहीं देंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, अटेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और गुनना भी पड़ेगा। शिक्षा दीक्षा दोनों हमारी सनातन संस्कृति की देन है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। ये जो जगह है जहाँ पे आप बैठे हैं, ये आदि गंगा है, गंगा से पहले की पवित्र भूमि है। और यही वो जगह है जिसको कि आप
नेमिश आरण्य कहते हैं, आरण्य का मतलब